नमस्कार दोस्तों, आपको आज बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी के X50 के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है, रियलमी X50 जो है चाइना के अंदर अगले साल जनवरी मंथ पे लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको रियलमी X50 के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे ऑफिशियल इमेजेस है, बहुत सारे लीक से, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। तो जितना मुझे पता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फुल वीडियो को वॉच करो, आपको रियलमी X50 के बारे में सारी जानकारी ऑलमोस्ट मिली जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते इसके रिटेल बॉक्स से, मतलब जो रिटेल यूनिट है वो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसका जो रिटेल बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों बात करें अगर हम डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता, वही जैसे रियलमी देता है वैसा ही शायद से होगा, 6.4 या फिर 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले। लेकिन आपको इस बार सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे नहीं मिलेगा। और साथ में दोस्तों जो रिफ्रेश रेट है, स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा। 60 हर्ट्ज़ है वो आपको ही मिलेगा। हो सकता है आपको 90 मिले या फिर 120 भी मिल सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, 90 या फिर 120। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम कैमरा की, तो हमेशा की तरह रियलमी जैसे करता है यार, पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप, वही अपने सेम 64+8+2+2 के साथ में। लेकिन इस बार हो सकता है जो प्राइमरी सेंसर है वो यहाँ पे 64 ना हो के 60 भी हो सकता है। जो रिसेंटली आया था ना सोनी का IMX686 वाला सेंसर, वो भी यहाँ पे हो सकता है 60 मेगापिक्सल का, या फिर सैमसंग का GW1 भी हो सकता है स्टैंडर्ड 64 वाला। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है यार। जो माइक्रो लेंस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यूज़ ही नहीं करते, तो उसकी जगह पे अगर टेलीफोटो लेंस दिया जाए तो हम थोड़ा जूम करके फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो टेलीफोटो लेंस आपको इस बार रियलमी X50 में देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों अगर हम बात करते फ्रंट फेसिंग कैमरा की, यानी सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरे के अंदर इस बार आपको दो सेंसर मिलेंगे। पहला यहाँ पे होगा अपना प्राइमरी, मुझे एग्जैक्टली मेगापिक्सल के बारे में तो नहीं पता, हो सकता है 20 हो या फिर 16 भी हो सकता है। लेकिन यार जो दूसरा सेंसर है ना, ये होने वाले एक वाइड एंगल सेंसर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेल्फी के मदद से, मतलब जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसकी मदद से आप जो है वाइड एंगल वीडियोस या फिर फोटोज़ को शूट कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर। और गेमिंग के अंदर भी थोड़े बहुत आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू, मतलब नए तरीके की लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। पहले वाला था ना 2.0, वो तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस आपको मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। प्रोसेसर भी काफ़ी पावरफुल है, मतलब जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G इन बिल्ट 5G के साथ में, तो प्रोसेसर भी काफ़ी पावरफुल है। और जो गेमिंग, मतलब जो टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडवांस देखने को मिल जाएगा, हो सकते हैं वर्जन 3 मिल जाए। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम बैटरी के बारे में, तो बैटरी कैपेसिटी है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन चार्जर के बारे में मुझे पता है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है वूक वर्जन 4.0, जो कि यार ऑब्वियसली है 30 वाट का चार्जर, जो कि इंडिया में आया था ना रियलमी X2 उसके साथ में मिला था वूक वर्जन 4.0, तो वही आपको मिलेगा रियलमी X50 के अंदर बॉक्स के अंदर। साथ में उसमें बात करें अगर हम कनेक्टिविटी की, तो ऑब्वियसली 5G तो आपको मिलेगा ही, लेकिन हाँ डुअल चैनल 5G और डुअल चैनल वाईफाई आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अब डुअल चैनल का मतलब है, जैसे हम करते हैं ना, वाईफाई के अंदर 2.4 GHz एक मिलता है और दूसरा 5 GHz के ऊपर मिलता है, तो ये होता है डुअल चैनल। तो आपको डुअल चैनल वाईफाई और डुअल चैनल 5G रियलमी X50 में देखने को मिल जाएगा। साथ में उसमें बात करें अगर हम कुछ अदर फंक्शंस की, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इस फ़ोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इस फ़ोन में आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड मिलने वाला है, ना कि इन डिस्प्ले, तो इस वजह से हो सकता है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना मिले, आपको IPS डिस्प्ले ही मिल जाए। और मिल भी सकता है यार सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि क्या पता कंपनी वाले दे दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना मिले, एक IPS डिस्प्ले मिले, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको यहाँ पे साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ColorOS 7 विथ Android 10, बेस्ड ऑन Android 10। लेकिन यहाँ पे जो ColorOS 7 है वो मिलने वाला है Realme के खुद के बने हुए कस्टमाइज UI को लेके, मतलब Realme UI आपको मिल सकता है Realme X50 के अंदर Android 10 को लेके। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं, जब भी कोई ऑफिशियल स्क्रीनशॉट आएगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अब लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं, तो अगले साल 7 जनवरी को ये चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है रियलमी X50। उसके बाद इंडिया में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। माधव सेठ ने कहा था आस्क माधव के एपिसोड 13 में कि इंडिया के अंदर हम 5G फोन्स ज़रूर से लेके आएंगे 2020 में ही,
तो हो सकता है जो रियलमी एक्स 50 है वो इंडिया में भी आए, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर वन में तो नहीं आएगा, क्वार्टर टू में आ सकता है, क्यू टू मतलब अप्रैल से जून के बीच में आ सकता है, या फिर सेकंड हाफ में भी जा सकता है जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो हाँ, इंडिया में तो ज़रूर आएगा कोई 5G फ़ोन, हो सकता है वो रियलमी एक्स 50 हो। तो देखते हैं क्या होता है, जब भी होगा कुछ भी उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों, वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लाइव फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, तो लाइव फ़ोटोज़ अभी यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मेरे पास 3 लाइव फ़ोटोज़ है, तो आप एक एक करके यहाँ पे देख लो। साथ में दोस्तों, रियलमी एक्स 50 की जो सेल्फी कैमरा है उससे भी लिया गया एक फ़ोटो मेरे पास, एक सेल्फी है, तो उसको भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो आपको जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेल्फी की क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, आपको रियलमी एक्स 50 की यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है, जिसमें से मुझे कलर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन 2 कलर आपको ज़रूर से इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया, जो जो स्पेसिफिकेशंस थे, रिटेल बॉक्स थे, उसके बाद लाइव फ़ोटोज़, कैमरा सैंपल, सब कुछ दिखा दिया, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब सब कुछ तो कवर हो ही चुका है, सिर्फ बैटरी मैंने आपको नहीं बताया, और कैमरा तो वही आपको सेम मिल जाता है। तो यही था दोस्तों इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियो कैसा लगा बताओ नीचे कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।